ड्रम रोल। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं, सेल्फ क्वारंटाइन्ड हैं, सोशली आइसोलेटेड हैं और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हाल ही में जब मैंने एक दो स्टोरीज डाली थी मेरे किताबों की, तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि मैं कौन सी किताबें पढ़ता हूँ और कोई रिकमेंडेशंस हो अगर किताबों की, क्योंकि हम सभी लोग घर पे बैठे हैं और हम सबको पूरा दिन फ़ोन पर रहना या पूरा दिन टीवी पर रहना पसंद नहीं है। तो एंड आई एग्री, इसीलिए यूजुअली मैं कभी भी वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं बना रहा हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगा मेरे टॉप 10 रिकमेंडेड किताबें। इनमें से 5 किताबें ऐसी होंगी जो मैंने खुद नहीं पढ़ी हैं, जो मैं इस पीरियड के दौरान पढ़ना चाहूँगा, और 5 ऐसी किताबें होंगी जो मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें अगर आपके पास ये किताबें हैं तो। तो फिर चलिए, हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले 5 ऐसी किताबें जो मैं खुद पढ़ूंगा जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। पहली किताब है, ये आपने मेरे स्टोरीज में भी देखी होगी, देवदत्त पट्टनायक जी की शिवाटु शंकरा। एंड यो, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये आई थिंक आपको बताता है द जर्नी फ्रॉम बीइंग शिवा टू बीइंग शंकरा। दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं भी अभी पढ़कर पता करूँगा। दूसरी बुक है विनोद मेहता जी की मीना कुमारी। ये मैं भांगड़ा पहले शूट कर रहा था, तो ये जग्गी के रूम के सजावट के लिए उन्होंने ये बुक वहाँ रखी थी, वहाँ से मैंने उठाई थी। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मीना कुमारी जी की बायोग्राफी है और ये मुझे काफ़ी समय से पढ़नी थी, तब से, तो ये मैं पढ़ूँगा। तीसरी बुक है लाइफ लेसन्स फ्रॉम अ ब्रेन सर्जन बाय डॉक्टर राहुल जांदियाल। ये एक ब्रेन सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, और ये अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताते हैं कि आप किस तरह से अपने दिमाग का, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में ताकि आप एक ज़्यादा बेहतर और हेल्दी लाइफ लीड कर सकें। चौथी बुक है सर आर्थर कोनन डॉयल की शर्लॉक होम्स। ये पार्ट 1 है, काफ़ी मोटी है, तो पहले मैं पार्ट 1 ख़त्म करूँगा फिर पार्ट 2 पर जाऊँगा। ये मैं गोल्ड की शूट कर रहा था, आई थिंक तब मैंने ये यूके से पिक की थी और तब से मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, अब पढ़ूँगा। बेसिकली मुझे मर्डर मिस्ट्रीज़ या क्राइम मिस्ट्रीज़ या नॉवेल्स, सीरीज़, फिल्म्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, तो इसलिए ये वन ऑफ माय मोस्ट अवेटेड रीड्स रहेगी। 5वीं किताब है आर के नारायण जी की मालगुडी डेज। बचपन में हम टीवी पर ये सीरियल देखा करते थे, तो इसलिए मैंने करीब 5-6 महीने पहले ये बुक एक बुक स्टोर से खरीदी थी देखने के लिए कि कितनी सिमिलर है ये जो हमने सीरियल देखा है उससे। अब चलते हैं 5 ऐसी किताबों की तरफ जो मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा आज भी इंटरेस्टिंग लगती है और मैं कभी कभी अभी भी उठाकर पढ़ लेता हूँ। तो पहली किताब है डैन ब्राउन की लॉस्ट सिंबल। सो बेसिकली दिस इज़ द बुक दैट गॉट मी इनटू रीडिंग। इस किताब की वजह से मैंने रीडिंग प्रॉपरली शुरू की, एक रात में पढ़ ली थी मैंने ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। दूसरी बुक है प्रतिभा रे जी की यज्ञसेनी। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड की थी और इस किताब ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। ये द्रौपदी और कृष्ण भगवान के रिलेशनशिप को दर्शाता है द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इट्स टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू नो अनकंडीशनल लव एंड गिविंग योर एवरीथिंग टू द पीपल अराउंड यू दैट यू लव, एंड इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग रीड। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स इन फैक्ट। तीसरी किताब है, ये एक जापानीज ऑथर है केगो हिगाशिनो, इनकी किताब है नाओको। इनकी एक और किताब है द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स, सॉरी, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। मेरे पास अभी है नहीं, मैंने अपने एक फ्रेंड को उधार पर दे रखी है, लेकिन ये मेरी सेकंड फेवरेट बुक है उनकी, नाओको। ये एक फैमिली की कहानी है, एक डार्क कॉमेडी है,
between a father and a daughter after they have lost their mother and wife respectively in a एक्सीडेंट. नाव को उनकी वाइफ का नाम है. तो ये बहुत ही सुपर एक किताब है. पांचवी जो किताब है वो एक किताब नहीं है, वो एक सीरीज़ ऑफ किताब है. आप काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि मैंने मेलुआ पढ़ी है कि नहीं, तो जी हाँ, मैं शिवा ट्रिलॉजी पढ़ चुका हूँ. काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ मैं अमीश जी का. काफ़ी अच्छी तरीके से ये लिखते हैं और ये जिस तरह से माइथोलॉजी को कंटेम्प्रेराइज कर कर लिखते हैं, बहुत ही ह्यूमन टच देते हैं उस चीज़ को, मुझे बड़ा पसंद है. तो ये मैं रिकमेंड करूँगा. और पांचवी जो किताब है वो है द फेमस फाइव. हम सभी लोगों ने ये बचपन में किताब पढ़ी होगी, हमारे स्कूल के लाइब्रेरी में ये मिलती है. और ये करीब मेरे ख्याल 20 साल से मेरे पास ये किताब पड़ी है. तो ये मैं तब पढ़ता हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ सिंपल करते हैं लाइफ में, लेट्स गो बैक टू द सिंपलर थिंग्स इन लाइफ, और तब मैं ये किताब पढ़ता हूँ. तो ये थी मेरी टॉप 10 रेकमेंडेड बुक्स. सॉरी, मैं ज़्यादा हिंदी किताबें नहीं पढ़ता हूँ. इनफैक्ट एक्चुअली शिवा ट्रिलॉजी अगर आप देखेंगे तो ये आपको हिंदी में मिल जाएंगी, अगर आप हिंदी किताबें पढ़ते हैं तो. बाकी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं या क्या कर रहे हैं आप इस दौरान, इस क्वारंटीन के दौरान. और लेट्स कीप दिस कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन, एक दूसरे की मदद करते हैं. एंड आप मुझे बताइए अगर इफ़ यू वॉन्ट टू सी सम मोर वीडियोज़ अबाउट एनी थिंग. आई डोंट नो, मैं ये करता नहीं हूँ, तो ये वीडियो का आइडिया भी मुझे आप ही लोगों से आया है. तो आप बताइए अगर कोई और वीडियो देखना चाहेंगे तो मैं बना दूँगा. और फिर मिलते हैं, तब तक स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, एंड अपने अपने एनवायरनमेंट का और अपने घर वालों का ख्याल रखिए.